press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब बाय राकेश पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम आर के यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय राकेश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आए हैं। दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन ने लाइनमैन के पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसमें बेसिक जानकारी देंगे और उसके बाद में आपको दिखाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो बने रहिए हमारी वीडियो को पर शुरू से लेकर लास्ट तक। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ के साथ दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर असिस्टेंट लाइनमैन के पदों के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL ने हैज रिसेंटली इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन, यानी असिस्टेंट लाइनमैन के पदों के लिए PSPCL ने ऑनलाइन फॉरम अप्लीकेशन मांगे हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टिंग टू द फॉलोइंग वैकेंसी एंड हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रेड फुल नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसमें दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और वो अप्लाई करना चाहता है तो एक बार फुल नोटिफिकेशन पढ़ लें और उसके बाद इसमें आवेदन करें। दोस्तों, नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन यानी PSPCL जिसने असिस्टेंट लाइनमैन के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, असिस्टेंट लाइनमैन रिक्रूटमेंट 2019। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अप्लीकेशन फ़ीस की। दोस्तों, जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपये रहेगी, SC ST कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये रहेगी, और साथ में जो PH कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए 350 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अभी चलते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स के ऊपर। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 6 जुलाई 2019 को। ऑनलाइन इसमें अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 4 अक्टूबर यानी कल से इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी 25 अक्टूबर 2019। फ्रेंड्स, फीस पेमेंट आप कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 पर। दोस्तों, इसके एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड कब मिलेंगे ये जानकारी जैसे ही आएगी मैं आपको दोबारा एक नई वीडियो के साथ जानकारी दूंगा, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, पेमेंट मोड इसमें रहेगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसमें फीस पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं एज लिमिट की तरफ, जो कि 1/1/2019 को मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल होनी चाहिए। बाकी एज पर रूल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। दोस्तों, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट 10th पास होना ज़रूरी है, साथ में उसके पास ट्रेड लाइनमैन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही साथ उस कैंडिडेट के पास जो इसमें आवेदन करना चाहता है उसको वायरमैन ट्रेड और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। दोस्तों, वैकेंसी डिटेल, वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 3500 पोस्ट हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कैटेगरीज वाइज अलग अलग वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी 1311 वैकेंसी, EWS 328, BC कैटेगरी 394, SC कैटेगरी 820 और अदर जो कैटेगरी उनके लिए 427 वैकेंसी है। इस प्रकार से 3200 वैकेंसी इसमें 280 वैकेंसी है। बाकी इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 142, PWD के लिए 24, SP के लिए 54 और टोटल 20 वैकेंसी इन कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। अभी चलिए चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये आ गए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जहां आप देख सकते हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स में दिखाया गया है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए स्टार्ट होने 4 अक्टूबर 2019 से और क्लोजिंग डेट रहेगी 25 अक्टूबर 2019। दोस्तों, फीस पेमेंट आप कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 तक। दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस पर विजिट कर सकते हैं।
पे स्केल और क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज इस प्रकार से हैं दोस्तों। पोस्ट नंबर एक है असिस्टेंट लाइनमैन की, जिसकी टोटल वैकेंसी 3500 हैं। इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगी मैट्रिक पास, साथ में नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लाइनमैन ट्रेड का होना चाहिए, साथ ही आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और वायरमैन ट्रेड का, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। आगे नंबर 4 के ऊपर है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट हु प्रोसेस हायर एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ दे हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन इन नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड्स। मतलब आपके पास अगर लाइनमैन ट्रेड का या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है या नॉर्मल आपने लाइनमैन ट्रेड की क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आगे है पे स्केल। पे स्केल के अंदर आप देख सकते हैं 6400 रुपये से 20200 रुपये आपको पे वेतन दिया जाएगा, साथ में 3400 रुपये आपको ग्रेड पे भी दी जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी अलग अलग दी गई है दोस्तों। टोटल वैकेंसी 3280 है, जिसमें से 220 का वैकेंसी अलग है जो कि अनफिल्ड पोस्ट सीआरए कैंडिडेट्स के लिए। इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 1311 वैकेंसी है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 328 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 328 है, एससी ओटी कैंडिडेट के लिए 66 है, एससी ओटी एसपी कैंडिडेट के लिए 16 है, एससी एमजेडबी कैंडिडेट के लिए 328 वैकेंसी है। इस प्रकार से ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी, आप इनको आसानी के साथ देख सकते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ एज लिमिट, जो कि 18 से 42 साल निर्धारित की गई है दोस्तों। एज लिमिट दिनांक 1/1/2019 को मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2001 से पहले हुआ है और 1 जनवरी 1977 से बाद में हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन इन एज लिमिट दोस्तों, इसके अंदर ओनली जो पंजाब के स्टेट के उम्मीदवार हैं उन्हीं को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। फीस डिटेल, फीस पेमेंट जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके अंदर कैटेगरी वाइज फीस पेमेंट इस प्रकार से, आल कैटेगरी एससी जो पर्सन है उनके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। दूसरा नंबर 2 पे है दोस्तों, जो पर्सन डिसेबिलिटी कैटेगरी के उम्मीदवार उनके लिए 350 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, और जो एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी दोस्तों। फीस पेमेंट डिटेल दोस्तों, ये जो फीस पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, जिसमें कैटेगरी वाइज फीस पेमेंट इस प्रकार से दोस्तों, जो आल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये फीस पेमेंट रहेगी, और साथ में जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है उनके लिए 350 रुपये फीस रहेगी, आवेदन फीस रहेगी, और जो एससी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 200 रुपये आवेदन फीस रखी गई है। फ्रेंड्स ये थी इस जॉब से संबंधित पूरी जानकारी, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ के साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आप देख सकें हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।